हाँ बेटा आर्डर लिख, एक सेंचुरी इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी भी, और तुम्हें भी चाहिए सेंचुरी तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया में सेंचुरीज का फेस्टिवल चल रहा है। इंडिया के अंदर तो उन्होंने तो बांग्लादेश को चीर फाड़ के बराबर कर दिया, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये वही बांग्लादेश है जो हमें मार के गई है, लग ही नहीं रहा ना बिल्कुल, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही कोई हल्की सी टीम है, चीर फाड़ के चार हिस्सों में ना बांग्लादेश के चापे इधर राने इधर, इनको ना इधर उधर गूंज मार दो। और जिस तरह पहले भी कहा था कि दूसरे दिन पे लग रहा था टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, तीसरे दिन पे और खत्म हो गया, मतलब खत्म ही हो गया टेस्ट मैच ना। और जिनकी 5वें दिन की टिकट है तुम टिकटें फाड़ के फेंक दो, तुम्हारा तुम मैच नहीं देख पाओगे, चौथे दिन पे मैच खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये रोहित शर्मा ने लंबी कर दी फ्री फंड में कि उसने फॉलो ऑन नहीं करा, नहीं तो मैच तीसरे दिन पे ही खत्म था, तो तुम जो ना छोड़ दो, क्योंकि 357 रन बांग्लादेश को और चाहिए, उनके पास 6 विकेटें बची हुई हैं, शाकिब अल हसन और शांत तो खड़े हैं, शांतों की 50 हुई भी है, लेकिन वो भी बेचारे क्या ही कर लेंगे, 500 से ऊपर का टारगेट है, तुम क्या चेस कर लोगे, खत्म हो चुका है मैच, ठीक है। और रन्स के जो यहाँ पे भरमार लगी हुई है, एक बड़ी अच्छी बात है कि ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी कर ली, भाई 6ठी सेंचुरी है ऋषभ पंत की, और एक आदमी है 6ठी या 8वीं है खैर जो भी है, और एक आदमी है को हमें बड़े दिल पे पत्थर रख के एक चीज़ बोलनी पड़ेगी अब, कि अब हमारी तफरी जो है वो तफरी हो नहीं सकती, क्योंकि हमने बोला था कि जब तक ये शुभमन गिल जो है सेंचुरी नहीं मारता हम इसको शबनम गिल बोलेंगे, उसने भी सेंचुरी मार दी, वो तफरी भी चली गई। देखो जरा यार यहाँ पे मजाक मस्ती करने नहीं देते लोग ना, वो उसने कहा ऐसी की तैसी, वो असल में ना सीन ही है, वो ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से कहाँ से, गॉड ऑफ क्रिकेट जो है ना वो सचिन तेंदुलकर की तरफ से प्रेशर था, सेंचुरी मार दे, नहीं तो हमारी तफरी तो लगी रहती, हम तो शबनम शबनम करते रहते 3-4 साल तक है। एनीवे अब सबको सेंचुरियां बट रही थी, अब देखो देखो सेंचुरियां बट रही थी, अब एक चीज़ है इसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ, देखो सबको हो रही थी तो एक गरीब के बच्चे को भी करवा देते, केएल राहुल को, केएल राहुल की भी करवा देते, मतलब ये तो वही बात हो गई कि वो इतना अच्छा खेल रहा था, मतलब उन्हें शॉर्टें वॉट उसकी आ रही थी मिडिल पे बल्ले पे, तो तुमने जो इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, ये तो वही बात हो गई कि अन्ना के लड़के के साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्ना के लड़के को दीवार से लगाया जा रहा है, दीवार से लगा दिया तुमने अन्ना के लड़के को, नाइंसाफी है जानी ये, समझ गया तुम बेटा, वही कराची वाला सीन है केएल राहुल के साथ, फ्री फंड में तो तुम उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अब वो खेल रहा तुमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, छोड़ो यार क्या बोले बंदा। तो खैर बांग्लादेश के लिए ये है कि देखो बात ये है कि तुम लोग तो इस कंपटीशन में कभी थे भी नहीं, अच्छा लोग काफी जो है ना बांग्लादेश के लोग जो है ना काफी वो हो रहे थे कि यार आप हमारी डिसरिस्पेक्ट करो, यानी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं खाली फैक्ट्स बता रहा हूँ कि तुम इंडिया के लेवल के नहीं हो, अब तो हम भी, अब तो हम तो देखो बंदा डिसरिस्पेक्ट तब करे जब मैं तुम्हारी तारीफ ही नहीं करता, मैंने तुम्हें बोला कि तुमने पाकिस्तान को पेला पकड़ के, पेला पकड़ के, ठीक है ना, पाकिस्तान तुमसे नीचे है, तुम पाकिस्तान के ऊपर हो, लेकिन अब इंडिया तो और ही ऊपर है ना, मतलब इंडिया के तुम देख लो, मैंने तुम्हें बोला था जिस तरह अश्विन को देखो 3 विकेटे लेके चला गया, मैं वेट ही कर रहा था अश्विन कब विकेटे लेगा, अश्विन ने जिस तरह से विकेटे लिए हैं, बुमराह ने जिस तरह विकेट लिए है, तो अब मैं क्या बोलूँ इस मैच के अंदर यार, तुम लोग खत्म हो चुके हो, मतलब ये पहला टेस्ट मैच तो खत्म हो चुका है, तो रोहित शर्मा की तफरी के चक्कर में 4थे दिन तक खिंच गए, तो मुझे लग रहा था आज ही मैच खत्म हो जाएगा, मैं तो बस देख रहा था कि यहाँ से 1 विकेट गिरी यहाँ से 1, नो डाउट बांग्लादेश ने बैटिंग का स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, बांग्लादेश की बैटिंग एक टाइम पे वो होता है ना दिल में थोड़ा सा कीड़ा ना कि क्या पता हरा दे क्या पता हरा दे, वो एक होता है ना, मैं तो लिखने भी वाला था, मैंने कहा गालियां पड़ जाएंगी छोड़ दो, मैं तो लिखने वाला था बॉस क्या पता बांग्लादेश मैच जीत जाए, क्योंकि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था बांग्लादेश ने, लेकिन फिर वो जिस तरह से विकटे गिनना शुरू हुई, अब तो खैर 500 से ऊपर का टारगेट है, 6 विकटे बची हुई है, कौन चेस करेगा मुझे बताओ, अनहोनी हो जाए तो बहुत ही कोई बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि शांतो वन तो खींच दे 150-200 की, और यहाँ से जो है ना वो खींच दे क्या कहते हैं अपना शाकिब अल हसन, बोल दे कि ऐसी की तैसी सबकी मैं रन बनाऊंगा, तो अगर डबल सेंचुरी मार दो दोनों टिका के तो फिर तो शायद चेस वेस हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ना चेस हो पाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ एक और चीज़ है भाई, वो इरफान न्याजी जो है उन्होंने जो वो कोई सेंचुरी वेंचुरी नहीं मार दी है 50-55 बॉलों के ऊपर, वो एक अजीब सा हुआ है, मुझे पीआर कैंपेन नहीं दिख रहे, फिर साइम अयूब ने भी भाई 150 रन मार दिए हैं, कोई कैप्टनसी का डेब्यू, एक तो कैप्टनसी का डेब्यू उस पर भी 150 रन मार के जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था मैच तो वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, पहले साइम अयूब जो ना करते थे 50 ओवर में 2 ओवर 3 ओवर पूरा पूरा स्पेल चल रहा है, बैटिंग भी मैं करूंगा बॉलिंग भी मैं करूंगा, तो साइम अयूब का लगा, मैं तो वेट करता भाई पीआर टीम्स आए, जिस तरह से भाई 98 बॉलों पर सेंचुरी की पीआर टीम्स आ गई अभी तक चल रही है, जिस तरह से वो शाहीन को 7 ओवर में 8 ओवर में कोई 78 रन पड़े या 80 रन पड़े इस तरह के कुछ पड़े, वो वाली पीआर कैंपेन चल रही है अभी तक, तो मैं तो साइम की वेट कर रहा था कि शुरू हो जानी चाहिए, इरफान न्याजी की किसी की कैंपेन ही नहीं आ रही, इसीलिए मैं चैंपियंस कप नहीं देख रहा, इसीलिए मैं चैंपियंस कप नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पर रन कर रहे हो ना तो उसका हवा नहीं हो रहा, जैसे कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरी हमारी, कोई नाम नहीं ले रहा अभी तक, अभी पिछले अभी उस दिन 98 बॉलों पर 100 रन हुए थे तो सब पागल हो गए थे, और मारे भी किस पता, कराची डॉल्फिन, ये डॉल्फिन की टीम थी ना, इस पर मारे थे सारे फारिग प्लेयर्स के अंदर, तो मुझे तो शोर दिख ही नहीं रहा कि भाई परफॉर्मेंस पे शोर मचे, तो वो जो जिनके लिए मचना है उनके लिए मच रहा तो फारे का छोड़ दो, अबे मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ ये पूरे चैंपियंस सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है ना इंडिया बांग्लादेश की सीरीज है, यही देख लो, इसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो ऋषभ पंत खड़ा होगा यहाँ पे फील्ड सेट करवा रहे, ये तफरी तुमने कहीं देखी है, ऋषभ पंत कह रहा है उसको के शांतों को के ये यानी बंदे को यहाँ ले ले, ये यहाँ पे ज्यादा ये फील्डर यहाँ पे आता है,
अब देख लो यहाँ पे वहां ज्यादा तफरी चल रही है, अभी तो फड्डे वड्डे शुरू नहीं हुए, तो क्या पता दूसरे टेस्ट मैच में फड्डे वड्डे शुरू हो जाए, तो ज्यादा एंटरटेनमेंट वहां पे है भाई, ये छोड़ दो। तो वैसे भी फैसलाबाद का जो क्राउड होता था जो शुरू में भर रहा था, वो फैसलाबाद के ग्राउंड में क्राउड भी नहीं, आज मैं देख रहा था मैच, कोई था ही नहीं, सारे चले गए, हमने कहा देखना वेखना नहीं है, बाढ़ में डालो। तो खैर एनीवेज टेस्ट मैच तो इंडिया का खत्म हो चुका है, मैं भी जाता हूँ, चेस कर रही थी स्टेलियंस की टीम, पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, सायम अयूब का पता नहीं क्या स्पेल में विकटे शिकटे लिए, लड़का कैप्टनसी करके 150 कर रहा है, फिर बॉलिंग भी कर रहा है, ऐसी की तैसी तुम लोग पीछे हो जाओ। अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। बाकी इंडिया का तो ये है कि वो तो जीत ही रहे, 17 से सीरीज कंजर्वेटिव जीते में 18वीं हो जाएगी, हम तो वेट कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और दूसरी जो इंग्लैंड आ रही है ना यहाँ पे, इंग्लैंड को पेलेंगे पकड़ के फैसलाबाद में, बहुत मजा आएगा। तो खैर जाओ भाई तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाता हूँ जरा देखने के पाकिस्तान कप में चल क्या रहा है, फिर मुझे साइम की पीआर कैंपेन भी चलानी, मैं जरा उसकी एस्थेटिक्स भी तो लगाऊंगा वाली। जाओ।